अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई जैसे कि बताया आप लोगों को कि आज जो है 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को जो है कायदे आज़म जो है पैदा हुए थे, मतलब आज जो है कायदे आज़म का पैदाइश का दिन है। तो उसके सिलसिले में जो है मतलब जो सेलिब्रेट करने आए कायदे आज़म का बर्थडे, तो उसके सिलसिले में जो है यहाँ हाई कोर्ट बार में लॉयर्स ने जो है एक यहाँ पे इंतज़ाम रखा है, जिसमें जो है हम लोग यहाँ पे कायदे आज़म को जो केक है वो कट करेंगे। यहाँ पे एक तरीके से समझे बर्थडे के केक जो है कट होगा यहाँ पे कायदे आज़म के लिए। तो यहाँ पे जो है पीछे भी बहुत सारे जो है अभी लॉर्ड्स वगैरह आ जाएंगे और भी कुछ टाइम में जो है फिर यहाँ पे जो है इनकी बर्थडे मनाई जाएगी कायदे आज़म की, जो कि जिन्होंने हमको पाकिस्तान दिलवाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे तो अभी फ़िलहाल खाली है, लेकिन ऐसा 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 टाइम गुजरता रहेगा तो फिर लोग आते रहेंगे और उसके बाद जो है फिर कुछ टाइम में जब सब आ जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है केक कटिंग सेरेमनी होगी। तो फिर मैं आप लोग को अपडेट रखूँगा और मेरे साथ आइएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं दुआ लतीफ़ मैडम और यहाँ हाईकोर्ट में, और जो कि मेंबर मैनेजिंग कमेटी हाईकोर्ट बार में जो है इलेक्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैडम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप जो है MMC में इलेक्ट हो गई हैं। थैंक यू सो मच आपका। और मैडम जैसे कि आज जो आपको पता है कि कायदे आज़म की बर्थडे है 25 दिसंबर है, तो हम जो है यहाँ पे भी कायदे आज़म की बर्थडे मनाएंगे, तो सब ऐसे कुछ बताना चाहेंगी आप। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में हाईकोर्ट बार में हर साल ये इवेंट मनाया जाता है, कायदे आज़म की सालगिरह के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी की जाती है और इसी रिवायत को हमने कंटिन्यू करते हुए इस साल भी कायदे आज़म की सालगिरह की केक कटिंग सेरेमनी रखी है, जो कि 10:30 बजे और इंशाल्लाह उसमें तमाम एडवोकेट्स और हमारे कमेटी मेम्बरान मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी दोस्तों मैं जो है मेरे साथ जो है मौजूद हैं रेहाना इस्लाम मैडम, जो कि MMC हाईकोर्ट बार में जो है इलेक्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैडम मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप जो है MMC में इलेक्ट हो गई हैं। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप सब ने मुझे इतने हाईएस्ट वोट दे के कामयाब किया, जिसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल जो है 25 दिसंबर कायदे आज़म की बर्थडे सेलिब्रेट करता है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इसी सिलसिले में आज भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिसमें हम सब शामिल हैं और सबको मैं वेलकम करती हूँ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सेलिब्रेशन जो है हमारी हर साल होती है, जिसको सब मिलके कामयाब करते हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। अच्छा दोस्तों अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं इशफाक गिलाल सर, जो कि प्रेसिडेंट के भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी खैर, फाइन। अच्छा सर, जैसे कि आज आपको पता है कि 25 दिसंबर है और कायदे आज़म की बर्थडे होती है, तो इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बर्थडे है, हमारे कायद की बर्थडे, हमारे लीडर की बर्थडे, इस कौम के मोहसन की बर्थडे है, आज उसकी सालगिरह है उसका। देखिए मैं अपने नौजवान जो मेरे हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जितना हो सकता है बैरिस्टर मोहम्मद अली जना की ज़िंदगी को पढ़ें जी। उसके जितने भी उसकी जो एक स्ट्रगल रही है उसको पढ़ें आप। सही। उसके जितने भी जो नज़रिया था इस रियासत के बारे में कि ये रियासत कैसी बनेगी और इस रियासत का बुनियाद क्या होगा, इस रियासत का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह होगी, ये सारे उनके जो खिताबात थे वो मौजूद हैं। उन खिताबात को हमें पढ़ने की ज़रूरत है, उनको आगे मुंतकिल करने की ज़रूरत है हमें, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारे कायद का विजन था इस कौम के बारे में, इस सल्तनत इस रियासत के बारे में, वो क्या था। जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा, जब तक हमारी नौजवान नस्ल को उस फ़लसफे का पता नहीं चलेगा, तो शायद हम कायद का फ़लसफा नहीं समझ पाएंगे। अच्छा दोस्तों अभी जो है मेरे साथ मौजूद हैं खालिद बरवत एडवोकेट, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज 25 दिसंबर के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिना जो बानी पाकिस्तान है उनकी सालगिरह है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो ता क़यामत मुसलमानों के नहीं बल्कि एक उन अक़वाम के लिए मशले राह हैं जो आज़ादी की कदर कीमत समझते हैं। एक ऐसा शख्स जिनको भरपूर मुखालिफत थी अपनों से भी और गैरों से भी, लेकिन वो वतन अजीज़ मारे वजूद में लेके आए उनकी क़यादत में, जिसका समर आती दुनिया क़यामत तक हम देखेंगे। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो तमाम दीगर इस्लामी ममालिक की इमामत करता है, और वो इस मुल्क का इमाम जो था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना था।
थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, अभी जो मैं मौजूद हूँ सीनियर अटॉर्नी राहिल भट्टी सर के साथ, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर हमारे मुल्क की रहनुमा और अजीम लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विलादत का दिन है, जो कि बड़े जोशो जज्बे से मनाया जाता है। हम लोग तमाम लोग हाई कोर्ट में मौजूद हैं सेलिब्रेशन के लिए, और ये एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनको कोई भूल नहीं सकता, और हमें ज़रूर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। उनकी जो खदमात हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मौसर साबित हुई, और आज हम जो कुछ भी हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से ही हैं। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, विजय मेरे साथ मौजूद हैं ममूना इस्लाम मैडम, तो यहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसे ठीक ठाक हैं? अच्छा मैडम, जैसे कि आपको पता है कि आज 25 दिसंबर कायदे आज़म की बर्थडे है, तो उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगी आप? देखिए, कायदे आज़म तो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, और ज़ाहरी बात है हमें उनकी सेलिब्रेशन तो हर साल ही हम मनाते हैं, लेकिन इस साल ज़ाहरी बात है हम अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से ये सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, विजय मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अजीज एडवोकेट, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि आज 25 दिसंबर कायदे आज़म की बर्थडे है, तो सवाई से कुछ बताना चाहेंगे आप? कायदे आज़म जो है वो जाहिर सी बात है हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े, और उनके हवाले से जो भी नेक तमन्नाएँ दुआएँ उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला हम कायदे आज़म के जो भी अकवाल है, जो भी अमाल थे, उनको फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। और वकला जाहिर सी बात है वो भी वकील थे, हम भी वकील हैं, वकील होने की ऐसी ऐसे काले कोट का रिश्ता हमारा मौजूद है, बाबाए कौम भी है और बाबाए वकला भी है, तो इंशाल्लाह ताला उनके जो भी अमाल है, जो भी अफ़ाल है, उनको फॉलो करना हम सबका फरीज़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं आमिर वराइज सर, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर करिए। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है आज जो है 25 दिसंबर है कायदे आज़म की बर्थडे, तो उस हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कायदे आज़म हमारे लीडर थे, वो सिर्फ हमारे ही नहीं आलम इस्लाम के, पूरी दुनिया के लीडर थे, और उन्होंने हम सबको जो ये आज़ादी दिलाई है, हम उनके मरहूने मिन्नत हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और मेरे ख्याल से हम सबको उनकी बर्थडे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे यंगस्टर तक ये पैगाम जाए कि वो हम ये डे क्यों सेलिब्रेट करें और वो कौन सी शख्सियत थी। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद सर, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, क्या हाल है? वज़ीफ़ा, आप ठीक हैं? खैरियत है? मैं ठीक। आज देखें बहुत अच्छा ओकेजन है जिसमें हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बर्थडे सेलिब्रेट। देखें हमारे वकला साहिबान के अंदर रंग नस्ल जो हम पहले भी कहते रहे हैं कुछ भी नहीं है, हमारा एक ही कॉज है, एक ही मोटिव है, और आज हम जो भी हैं वो हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत हैं। 1947 के अंदर अगर वो अपनी जद्दोजहद ना करते तो आज पाकिस्तान मारज़ वजूद में नहीं आता, और आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, कितनी फैटल बीमारी उसको उनको थी, मगर उसके बावजूद अपने ऊपर पेन लेके सिर्फ एक ख्वाब था, उस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करना था। तो आज हैं हम जितना शुक्रिया अदा करें अल्लाह पाक की ज़ात का, उसके बाद जो है ना कायदे आज़म का, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनको हड्डी हड्डी करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं सलीम मैंगरू सर, जो कि प्रेसिडेंट है हाईकोर्ट बार के, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी मैं भी ठीक। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है आज जो है 25 दिसंबर है कायदे आज़म की बर्थडे, तो उस सिलसिले में आपको कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें यही है, एक तो बर्थडे आज सेलिब्रेट की गई सिंध हाईकोर्ट बार की तरफ से, नंबर दूसरा कि हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आज़म का ख्वाब थे, कायदे आज़म ने जो बनाया था, तो हमें कायदे आज़म वाली लीडरशिप चाहिए, हमें कायदे आज़म ने जो कौम बनाती थी हमें वो वाली कौम चाहिए। अगर हम कौम कायदे आज़म वाले वो जज्बा ईमानी वाली बन गई
तो हम तरक्की भी करेंगे, हर चीज़ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें वही जज्बा, वही चाहिए और वही कौम चाहिए जो कि कैद आज़म ने जो बनाने की कोशिश की थी और बनाई। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, आज जो है मैं यहाँ हाई कोर्ट बार आया और यहाँ पे जो है लॉयर्स ने जो है यहाँ सेलिब्रेट की कदम की बर्थडे, तो यहाँ का भी जो है मैंने कवर किया सब, जो यहाँ एक्टिविटीज़ चलनी थी और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा एक जो है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट माहौल था और बड़ा अच्छा मज़ा आया और बहुत से लोगों से थोड़ा इंटरव्यू भी ले लिया, उनके रिव्यूज़ मालूम कर लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हुई लाइक कर दिएगा, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।